आई हैव डिस्कार्डेड द सीड्स, मैंने निकाल दिया और इसी का सोक पानी में वापस एप्रिकॉट में यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी न्यूट्रिशन होगी। अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ और इनको हम करते हैं हीट ऑन कर दिया और ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एप्रिकॉट्स में इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको स्टोव पर रखते हैं मीडियम फ्लेम पर, इसे बॉइलिंग पॉइंट तक लाने देते हैं और फिर इसमें शुगर ऐड करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इन एप्रिकॉट्स को पहले से सोक कर दिया था, मैंने कल दिखाया था आपको, तो ये ओवरनाइट थी, फ्रिज में थी। अब मैंने रीसीड कर रही हूँ, उनका सीड निकाल देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इनके सीड को तोड़ के जो उसका ईटिंग पार्ट होता है अंदर से जो नट्स है उसको खाते हैं, बट हेल्दी नहीं होता। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। मैं इसमें आमंड्स यूज़ करूँगी, बादाम। तो ये देखिए मैंने ज़रा सा स्लिट किया, सॉफ्ट है, और मैं इसका सीड रिमूव कर रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारी एप्रिकॉट्स को डीसीड करके इस स्किन को और सीड को सेपरेट करके आपको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, साथ साथ वीडियो देखते जाइए। थैंक यू। एप्रिकॉट सॉफ्ट हो रही हैं, हम यहाँ पर एक कस्टर्ड तैयार करते हैं। अबाउट हाफ लीटर मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि पैकेट का मिल्क है, आप फ्रेश क्रीम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। बनाना फ्लेवर्ड कस्टर्ड लिया मैंने और थोड़े से दूध में मैं इसे डिजोल्व करके लम्प फ्री एक स्लरी तैयार करूँगी जो हम दूध में ऐड कर रहे हैं। राइट, गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब व्यूअर्स, आई होप यू विल बी क्वाइट वेल। और जितने भी लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से, अमेरिका से, ब्रॉड से और इंडिया से और पाकिस्तान से, सबको आज की सुबह का सलाम। कौसरल्वी लाइफस्टाइल के चैनल पर खुश आमदी। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी तो मैं ला रही हूँ, डिज़र्ट है एप्रिकॉट की, लेकिन साथ साथ आपको पता है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। खुबानी आजकल फ्रेश भी मार्केट में है और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ड्राई है, क्योंकि मैं उसकी डिज़र्ट बना रही हूँ। मज़े की बात यह है कि फ्रेश में जितनी न्यूट्रिशन है, सेम न्यूट्रिशन ड्राई एप्रिकॉट में। एप्रिकॉट स्लो इन कैलोरीज हैं, जस्ट 17 कैलोरीज इन वन खुबानी, वन एप्रिकॉट, ठीक है जी। पाकिस्तान में अच्छी फ्रेश अवेलेबल है, आजकल सीजन में है आड़ू और खुबानी, और ये फ्रूट्स जो हैं वो डायबिटिक लोगों के फेवरेट होते हैं। पल्प है इसमें, ठीक है जी, फाइबर कंटेंट है, विटामिन के है, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड ड्यू टू इट्स वाटर कंटेंट, और इट कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स। अब एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो आपके खाने के बाद फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, जो वेट गेन कॉज करते हैं, तो ये क्या करती है खुबानी की, ये उनको फाइट करती है, ओबेसिटी को रिड्यूस करती है और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी आपके खाना हजम करने का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करती है, ठीक है जी। विटामिन के जो पोटेशियम है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और आपका शुगर वालों के लिए ज़बरदस्त है विटामिन के, पोटेशियम जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। और मिनरल्स आपको आपको पता ही है बॉडी में कितने ज़बरदस्त हैं, इनका बहुत फ़ायदा है। विटामिन एंड मिनरल्स दे कीप यू अवे फ्रॉम डिजीजेस, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। और खुबानी का क्या फ़ायदा है, एंटी कैंसरस है, कैंसर बनाने वाले सेल्स कार्सिनोजन को किल करता है। खुश रहें, हेल्दी रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त खुबानी का मीठा, जो कि ना न्यूट्रिशनल तो है ही और साथ इसका स्वीट एंड सॉवर टेस्ट और ठंडा ठंडा कस्टर्ड रूपर होंगे नर्स आए है। ज़बरदस्ती यमी सी रेसिपी तैयार हो रही है, आई होप यू विल लाइक इट। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए जी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं खुबानी का मीठा। एंड हमारा कस्टर्ड बॉयल हो रहा है, दूध बॉयल हो रहा है, इसमें अभी डाल रहे हैं शुगर, 3-4 शुगर मैंने डालनी है स्पून्स भर के। आप अपनी मर्जी से शुगर कंटेंट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये ऑप्शन है। अब इसके साथ ही हम इसमें उबलते हुए दूध में स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वाला कस्टर्ड जो है मेरे हाथ में, ये हम ऐड करें। स्लो स्लो तरीके से ऐड करना है, ज़्यादा सा नहीं करना, ये लम्स बन सकते हैं या बहुत थिक भी हो सकता है ये लम्स। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड था, थोड़े से दूध में या पानी में आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। राइट, ये भी इसमें डाल देंगे और हम कस्टर्ड को थिक करते हैं, फिर इसे ठंडा करेंगे। देखिए माशाल्लाह से फौरन हो गया, ये देखिए। इसे बहुत लिक्विडी नहीं रखना, क्योंकि हमने लेयरिंग करनी है एप्रिकॉट पल्प की और जो है ये कस्टर्ड की लेयरिंग करेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, एंड में नट्स जाएंगे। राइट, हाँ, ऊपर से थोड़ा सा टिकोर करेंगे, गार्निश करेंगे। तो ये कस्टर्ड मैं ठंडा करके, ये ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसे ठंडा करके फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, एप्रिकॉट्स की तरफ जाते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। ये देखिए, एक सेकंड मैं इसे उतार लूं और फिर आपको दिखाती हूं कि हमारी चटनी जो एप्रिकॉट का बैटर बन रहा है, चटनी तो नहीं बना रही मैं, वो कहां तक पहुंचा है और किस तरह उसकी सॉस तैयार करें। इसे मैं उतार लेती हूँ, यहाँ पर यह आ गया मेरा पैन जिसमें मैं एप्रिकॉट का भी, ये देखिए अभी पानी छोड़ दिया, मैं फ्लेम को तेज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन हमने वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना है ताकि हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी सी बने, एप्रिकॉट का मिक्सचर जो होगा बहुत गाढ़ा सा बने, अच्छा सा बने और अच्छा सा टेस्ट आए। राइट, उसे थिक करके ठंडा करके फिर क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने ठंडी होगी खुबानी के मिक्सचर को सॉफ्ट को हमने जग में डाल दिया, इसे ब्लेंड करते हैं और दिखाते हैं कैसी सॉस बनती है। राइट, देखिए कितनी अच्छी यमी थिक सॉस तैयार हो चुकी है, प्योर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल। ब्रेड बन चुका है फ्रेंड्स, ठंडा हो रहा है, ठंडा करने के बाद असेंबलिंग करके आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त यमी मीठा खुबानी की सॉस भी ठंडी हो चुकी थी और दिस इज़ द टाइम टू असेंबल ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बेस पर मैंने खुबानी की लेयर लगाई, पल्प वाली ठंडी थी ये भी, और इसके बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई। ये देखें आप देख रहे हैं कस्टर्ड की लेयरिंग करके, इसके बाद आप जितना अगर डीप बोल है तो आप इसकी मल्टी लेयर्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो लेयर्स ही लगा रही हूँ। सारा कस्टर्ड मैंने पोर ओवर कर दिया था और इसके ऊपर फिर मैंने जो पल्पी सॉस है खुबानी की इसकी लेयरिंग कर दी थी। ये बड़ी ज़बरदस्त थिक सॉस है, आप देख रहे हैं देखने में, आपने इतना रखना है कि ये पूरी तरह स्प्रेड हो जाए। ठीक है जी, ये ज़्यादा पतली भी हो सकती थी लेकिन मुझे गाढ़ी पसंद है, उसी में टेस्ट आता है। तो मैंने इसको स्प्रेड कर दिया था सारा, और इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम की टॉपिंग की थी। क्रीम आप जितनी आपको पसंद है आप इतनी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा क्रीम वाला पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ी लेस क्रीम यूज़ की थी और मैंने शुगर कंटेंट भी कम रखा था। इसको इवनली स्प्रेड कर दें आप, और इसके बाद सेंटर में हम डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम। ये पैचेस को मैं कवर कर रही थी ताकि कहीं एक जैसी हमारी लुक आए उसकी। इसके बाद मैंने सेंटर में डाल दी थी क्रीम, फ्रेश क्रीम, बीट कर लें। गर्मी में थोड़ी इतने जो है वो लिक्विड ही थी लग रही थी। इसके बाद डालेंगे नट्स, आप पिस्ता डालें, बादाम डालें, किशमिश डालें, नारियल डालें, जो भी नट्स आपको पसंद है उससे आप इसकी गार्निश करते हैं। राइट, ये मैंने पिस्ता भी सजा दिया, इसके सॉरी किशमिश सजा दी है जिसका मैंने सोक किया हुआ था। और ये डिश हमारी खुबानी का मीठा या एप्रिकॉट डिज़र्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ये टेस्टिंग के लिए साइड से इसे निकाल रही हूँ, देखिए किस कदर थिक और यमी है माशाल्लाह से। जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं, चिल करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह सेटल हो जाएगी फ्रेंड्स। राइट, तो लेकिन इसका टेस्ट अमेजिंग है, ऑसम टेस्ट, आपने पहले कभी किसी डिज़र्ट में इतना आला टेस्ट नहीं देखा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माल का टेस्ट है, बिलीव मी, इनक्रेडिबली टेस्टी। बनाना फ्लेवर के कस्टर्ड का बहुत अच्छा जायका आ रहा है, ट्रूली स्पीकिंग। और खुबानी की जो सॉस है ना, उसका जो फ्लेवर है नेचुरल, वो इसके साथ मिलके इस कम्बो के साथ एक ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप कर रहा है फ्रेंड्स, जिससे आपके टेस्ट बर्स एनरिच हो जाएंगे। यू विल नेवर फॉरगेट दिस टेस्ट, बिलीव मी। और जिसमें किशमिश और नट्स है ना, सुभान अल्लाह। से यू गुड बाय, किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए आइडिया के साथ आपके सामने आऊंगी। और अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं हैं तो आ जाइए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फीडबैक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। टेक केयर, बाय।